हेलो गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल सा पर्पल एंड ब्लू आई मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये लुक पसंद आता है एंड अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। सो चलिए गाइज़, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से। सो मैं यहाँ ले रही हूँ ये लैक्मे का ब्लर प्राइमर एंड ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। मैं इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन भी मैंने यहाँ लिया है मेबेलिन का ये फिट मी फाउंडेशन एंड मेरा शेड है 128। सो मैं इसे अपने पूरे फेस पे फिंगर की हद से अप्लाई कर लूँगी एंड मैंने यहाँ एक फाउंडेशन ब्रश लेके इसे अच्छे से ब्लेंड किया है। एंड मेरा स्किन जो है वो बहुत ही ड्राई है, तो मैंने इसमें हल्का सा 2 से 3 ड्रॉप्स सीरम का मिक्स किया था, जिससे कि हल्का सा ये ग्लो भी कर रहा है, आप देख सकते हो मेरी स्किन पे। तो आप अपने ईयर एंड नेक को बिल्कुल ना भूलें, अपने ईयर एंड नेक पे भी अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई करें। देन मैं यहाँ ले रही हूँ सिस ब्यूटी का कंसीलर एंड इसे मैं अपने सारे हाईएस्ट पॉइंट पे लगाऊंगी, अपने अंडर आईज पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे, अपने अपर लिप्स पे, अपने फोरहेड पे एंड चेन पे। देन मैंने एक स्मॉल स्पंज लिया है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्पंज मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड गाइज, लिटरली मुझे आज अपना जो बेस है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मैंने इसमें सीरम मिक्स किया है, तो क्योंकि आपके पास अगर फेसियल ऑयल है तो आप वो भी मिक्स कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट लिया है, इसे मैं अपने सारे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, खास करके मैंने जहाँ कंसीलर यूज़ किया है उस एरिया को। तो अब बारी आती है कॉन्टोरिंग की एंड उसके लिए मैंने मेकअप रिवोल्यूशन पैलेट में से ये ब्राउन शेड लिया है एंड मैं अपने चिक बोन्स को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। एंड गाइज, आप जब भी कॉन्टोर करते हैं तो अपने हेयर लाइन से कनेक्ट करते हुए कॉन्टोरिंग करें। सो आप फर्क देख सकते हैं कॉन्टोरिंग के करने के बाद एंड पहले का डिफरेंस। तो मैं अपने दोनों साइड अच्छे से कॉन्टोर करूँगी चिक बोन्स को। अगर आप लाइट हैंड से अपने किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करेंगे लाइट हैंड से, वो बहुत ही नेचुरल सा लुक देगा, बहुत ही फिनिशिंग लुक देगा। सो मैं अपने फोरहेड को, जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। देन बारी आती है नोज़ की, एंड अगर आपके भी नोज़ मेरी तरफ फ्लफी हैं तो आप भी अपने नोज़ को कॉन्टोर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से कलर को अप्लाई कर लिया है। देन मैंने एक स्मॉल ब्रश लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो अब मैं अपने नोज़ के दोनों साइड को अच्छे से क्लीन करूँगी ताकि जो मेरे कलर हैं कॉन्टूरिंग के वो बहुत ही अच्छे एंड शार्प दिखें। तो मैंने अपने आईलेट पे हल्का सा कंसीलर अप्लाई किया है क्योंकि मैंने पहले भी इस पे अपना कंसीलर अप्लाई कर लिया था, तो मैं बहुत ही हल्का सा ले रही हूँ एंड सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं इसे सेट कर लूँगी। देन मैं स्विस ब्यूटी के पैलेट से ये ऑरेंज शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं एज अ फाउंडेशन शेड अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, हल्का सा ऊपर भी ले जा रही हूँ क्रीज के। देन मैं ये डार्क पीची ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड मैं अपने ऑरेंज शेड के साथ इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने एक ईयरबड लिया है एंड मैं अपने आईलिड को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। देन मैं लूँगी ये क्लैम 21 पैलेट एंड इसमें मैंने ये
पर्पल शेड लिया है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड आप जब कोई ब्रश की हेल्प से कोई शिमर शेड अप्लाई कर रहे हो तो आप इसे हल्का सा वेट कर लो। देन मैं सेम कलर को अपने इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रही हूँ। मैं समथिंग हेलो आइज क्रिएट कर रही हूँ। देन मैं ये ग्रीन एंड ब्लू शेड को मिक्स करते हुए कलर अप्लाई करूँगी अपने मिडल आईलेट पे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर बन जाता है जब आप ग्रीन एंड ब्लू कलर को मिक्स करते हो, तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा कलर बन गया है। देन मैं सेम सेकंड आई पे भी कर लेती हूँ। सो आईलाइनर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ स्ट्रेट फिल्की का आईलाइनर। मैं एक सिंपल विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, मैं कोई ड्रामेटिक सा विंग ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। देन मैं मेबेलिन का ये मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। मैंने पॉलिसीज भी अप्लाई कर ली है। देन मैं सेम ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड मैं अपने लोअर लैश लाइन को स्मज कर रही हूँ। एंड देन मैं लूंगी ये पर्पल शेड एंड मैं इसे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब बारी आती है काजल की। काजल के लिए मैंने मेबेलिन का काजल लिया है एंड इससे मैं अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन करूंगी। देन मैं फिल करूंगी अपने आईब्रो को एंड उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे माल्याओ का आईब्रो पैलेट एंड इसके साथ जो ब्रश आता है मैं उसी की हेल्प से अपने आईब्रो को फिल करूंगी। मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ये रोज ग्लो टोनर ले रही हूँ एंड एज अ फिक्सर मैं अपने मेकअप को इससे फिक्स कर लूँगी। देन ये बटन वाइल का हाइलाइटर ले रही हूँ एंड इसे मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई करूँगी फॉर द ग्लो। आईब्रो बोन को एंड इनर कॉर्नर को हाइलाइट करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और लिपस्टिक लिए मैंने यहाँ लिया है एडीएस की लिपस्टिक इन द शेड पिंक इज न्यूड। एंड आप चाहो तो इसे ऐसे ही मैट भी छोड़ सकते हो, मैंने यहाँ पे ग्लॉस अप्लाई किया है। सो या गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। सो आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गाइस। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।